हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को जानकारी देने वाली हूँ एक नए कोर्स के बारे में, जिसपे आजकल बहुत सारी जागरूकता फैली हुई है और यह एक नया सेक्टर है, उभरता हुआ सेक्टर है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ BSc इन एग्रीकल्चर कोर्स का, करियर एग्रीकल्चर में बनाने का। तो आप लोगों को ये सुन के तो हैरानी तो हुई होगी कि एग्रीकल्चर में करियर, ये तो खेती किसानी है, इसमें क्या करियर बनेगा। तो हाँ, हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चों को ये जानकारी ही नहीं है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी करियर बन सकता है। हम बच्चे क्या समझते हैं कि हमें कुछ बनना है तो इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, नहीं तो IAS बन जाए, IPS बन जाए, इसके सिवा उनके पास करियर ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन आप लोग के पास एक और करियर ऑप्शन है, और जो कि बहुत ही अच्छा है, जिसके थ्रू भी आप लोगों की बहुत सहायता कर सकते हो, अपनी करियर को अच्छा बना सकते हो, अपने परिवार के लिए अच्छा पैसा कमा सकते हो, और आपको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगी और आप अपने आप को प्राउड फील करोगे कि आप इतने अच्छे सेक्टर में काम करते हो। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होता है कि BSc एग्रीकल्चर कर सकते हो, उसके बाद आप साइंस से अगर 12 पास किए हो तो आप BSc एग्रीकल्चर कर सकते हो, उसके बाद आप MBA इन रूरल मैनेजमेंट कर सकते हो या MBA इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कर सकते हो। तो अगर आप सिर्फ BSc एग्रीकल्चर करे हो तो आपको BSc एग्रीकल्चर के बेस पे भी बहुत सारा जॉब मिल जाएगा, प्राइवेट सेक्टर में भी, गवर्नमेंट सेक्टर में भी। और इसके लिए ICAR का एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसमें अच्छी रैंक मिलेगी आपको, तो आप अच्छे रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से BSc एग्रीकल्चर कर सकते हो। तो उसमें आपको जॉब ऑप्शन मिलेगा लाइक चंबन फर्टिलाइज़र, कॉटिबा एग्री साइंस, जो कि एक इंटरनेशनल कंपनी है, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज है जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए काम करती हैं। दूसरा ये है कि अगर आप उससे भी बढ़िया जॉब पाना चाहते हो, गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत सारी वैकेंसी रहती है आफ्टर BSc एग्रीकल्चर, उससे भी ज़्यादा अपने आप को मैनेजरियल पोजिशन पर ले जाना चाहते हो तो आप MBA इन रूरल मैनेजमेंट या एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कर सकते हो। आपके पास BSc एग्रीकल्चर के लिए और भी ऑप्शन रहता है, आप MSc कर सकते हो, उसके भी बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं जिसमें आप MSc कर सकते हो।